दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका प्लम्बर स्पेशलिस्ट चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको जगुआर का कंसील फ्लश टैंक जो है दोस्तों यहाँ पे लीकेज कर रहा है, इसमें से क्या दोस्तों पानी कंटिन्यूसली बहता ही जा रहा है। तो आज की इस वीडियो में कंसील फ्लश टैंक मैं रिपेयर करके बताऊँगा। इस टाइप का अगर पानी कंसील फ्लश टैंक से बहते जाता तो आपको कैसे रिपेयर करना है मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इस कंसील फ्लश टैंक को दोस्तों ऊपर की तरफ पुश करके इसका ढक्कन को ऊपर का खोल लेता हूँ, ये वाला प्लेट को। अब जो इसको मैं यहाँ पे ऊपर नीचे करके इसको अनलॉक करके इसका ऊपर का अंदर का ये कवर को खोल लेता हूँ, और उसके बाद में इसको नीचे की तरफ पुश करके इसका जो भी है सब इस टाइप से आपको खोल लेना है। ये जो दोस्तों है जगुआर का कंसील फ्लश टैंक है यहाँ पे, और इसका अंदर का ये पुश करने वाला साइकन को इसका वाल्व को मैं खोल लिया हूँ। अब जो है दोस्तों मैं यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँगा, ये आप देख लीजिए, ये क्या दोस्तों साइफन के ऊपर से पानी जो है दोस्तों निकल रहा है और कंटिन्यूसली क्या है मतलब बहता ही जा रहा है यहाँ से, आप देख सकते हो। तो इस टाइप का प्रॉब्लम का यही सॉल्यूशन है, क्योंकि दोस्तों बॉलकॉक अगर ख़राब होता है ना तभी तो ये ऐसा होता है। तो यहाँ पे इसका वाल्व को बंद कर देता हूँ, उसके बाद में दोस्तों साइफन के एक सपोर्ट को मैं यहाँ पर निकाल देता हूँ, क्योंकि इसको मुझे फ्लश करना है और वो नट रहा था, तो उसको भी आपको खोल कर निकालना है। और उसके बाद में यहाँ पर इसका कनेक्टर पाइप को मैं दोस्तों बॉलकॉक से अलग करूँगा, और इसके अंदर एक स्विच होता है उसको प्रेस करके दोस्तों ऊपर की तरफ खींच लेंगे तो क्या बॉलकॉक निकल जाएगा यहाँ पे। और मैं आपको लगाते वक्त बताऊंगा इसका स्विच कैसे काम करता है और आपको कैसे खोलना लगाना है लगाते समय इसको। अब देख लीजिए ये जो दोस्तों साइफ ये वाला बॉलकॉक है, ये क्या दोस्तों पूरा खारा पानी होने के कारण बिल्कुल भी अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है। अभी मैं आपको एक एक पार्ट्स आपको खोल के बताऊँगा यहाँ पर और दिखाऊँगा, और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे इसको रिपेयर करके लगाऊंगा। ये आप देख लीजिए, तो एक एक पार्ट्स को मैं अंदर का जो है दोस्तों, क्योंकि बॉलकॉक जो है अगर इसमें क्या है थोड़ा सा भी कचरा आ जाता है ना तो ये सही से काम नहीं कर पाता है, इसीलिए शायद ये प्रॉब्लम हो रहा था यहाँ पे। अब देख लीजिए कितना मतलब पानी का स्टेन है यहाँ पर, खार है, तो क्योंकि खारा पानी से ये यूज होता है ज़्यादातर यहाँ पर कंसील फ्लश टैंक वगैरह ये सब, तो खारा पानी में यूज होने के कारण दोस्तों, क्योंकि खारा पानी में काफ़ी सारा यहाँ पे इसमें क्या है खार होता है, तो इसके वजह से यहाँ पे इसका स्टेन स्केल काफ़ी हो जाता है पानी से। तो यहाँ पे ये सबको आपको क्या करना है दोस्तों, जस्ट आपको खोलकर हार्पिक देकर अच्छे से धो लेना है, और जितना हो सके आपको अच्छे से साफ कर लेना है। अब देख लीजिए जैसे मैं कर रहा हूँ, और आप लोगों को इसको लगा के पानी भी टेस्टिंग करके बताऊँगा। अब देख लीजिए, अब जो दोस्तों मैं अच्छे से ये सबको क्या दोस्तों मतलब हार्डपिक देकर अच्छे से धो दिया हूँ, पहले क्या है काफ़ी सारा इसमें कचड़ा था ये सब के अंदर। अब मैं एक एक को जैसे खोला था दोस्तों, यहाँ पे आपको घाट देखेगा उसके हिसाब से आपको लगाना है, तो क्या है दोस्तों प्रॉपरली बैठ जाएगा। अब देख लीजिए, अब इसको मैं इस टाइप से लगाऊँगा यहाँ पर, तो हर एक घाट मैचिंग होते हैं, आपको मैचिंग करके इसे लगाना है। अब इसको भी मैं ऊपर से यहाँ पर दोस्तों घाट देख कर अच्छे से यहाँ पर लगा दिया हूँ, और उसके बाद में इसका ऊपर का ये नट को मैं लगा दूँगा यहाँ पर बॉलकॉक का। तो आप लोग वीडियो को लाइक करना भूल जाते हो दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अगर चैनल में आकर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो यहाँ पे अब इसको मैं अंदर यहाँ पे प्रेस करके जैसे इसको पुश कर दूंगा नीचे की तरफ, आप देख सकते हो ऐसे ही क्या है बैठ जाएगा। और जब आपको खोलना है इसको क्या करना है दोस्तों, ऊपर की तरफ आपको प्रेस करना है, तो क्या है उसके बाद में प्रेस करके ऊपर आपको खींचना है तो निकल भी जाएगा। अब मैं इसका कनेक्टर पाइप को लगा देता हूँ यहाँ पर, अब देख लीजिए, अब इसका अंदर का एक सपोर्ट मैंने खोला था दोस्तों साइफन का, इसको भी मैं लगा देता हूँ यहाँ पर। अब मैं इसका दोस्तों वाल्व को मैं खोलूंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा यहाँ पे पानी भर के ये बंद होता है या नहीं ऑटोमेटिक, क्योंकि पहले जो है पानी ओवरफ्लो हो रहा था जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखाया था। अब इसका एंगल कॉक को मैं एंगल वाल्व को मैं खोल दिया हूँ यहाँ पे, अब देख लीजिए, अब जो दोस्तों पानी जो है धीरे धीरे भर रहा है, और पानी भरते हुए इसका एक जब दोस्तों पानी मतलब रुकता है वहाँ पर एक साउंड मिलेगा, आप लोग सुनिएगा ज़रूर ध्यान से यहाँ पर, देख लीजिए। अब जो है दोस्तों कंटिन्यूसली पानी भर रहा है, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, वीडियो को आपको लाइक करना भूल जाते हो, वीडियो को लाइक करते जाइएगा और कमेंट भी करिएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। यहाँ पे आप देख लीजिएगा, अभी थोड़ी देर में जब पानी दोस्तों रुक जाएगा ना तभी एक साउंड आएगा यहाँ पे, तो ऐसा अगर साउंड आएगा तभी ये बॉलकॉक सक्सेसफुली दोस्तों काम करने लगेगा। यहाँ पर आप ध्यान से एक साउंड सुनना, ये आप देख सकते हो दोस्तों एक साउंड मिला, इसका मतलब दोस्तों क्या है बॉलकॉक जो है पानी बॉलकॉक से आना अब रुक गया है।
अब मैं इसका जो भी है अंदर का जो सब मैंने खोला था यहाँ पे, ये सब को मैं दोस्तों लगा देता हूँ अच्छे से। अब देख आपको कुछ इस टाइप से जैसे आपको खोलना है दोस्तों, आपको ध्यान से वैसे लगाना है अच्छे से साफ सफाई करके। अब जो है दोस्तों इसका मैं ऊपर का ये फ्रेम को लगा दूंगा और यहाँ पे इसका लॉक जो होता है यहाँ पे दोनों को, मैं एक नीचे की तरफ होता है और एक ऊपर की तरफ, यहाँ पे अब करोगे तो क्या है ये लॉक हो जाएगा फ्रेम के साथ में यहाँ पे। अब देख लीजिए अब इसका क्या करना है। अब इसका प्लेट को दोस्तों आपको नीचे से प्रेस करना है ऊपर की तरफ और ये जो है दोस्तों प्लेट लग जाएगा यहाँ पे। अब जो है दोस्तों पानी भर रहा है, अब मैं फ्लास करके एक बार दिखाता हूँ आपको यहाँ पे। आप देख लीजिए मैं फ्लास किया, अब जो दोस्तों पानी आना रुक जाएगा यहाँ पे, आपको देखने को मिलेगा पानी बिल्कुल भी ओवरफ्लो नहीं होगा। आप देख लीजिए पानी आना मतलब रुक गया है। तो यहाँ पे दोस्तों पानी को भरने देते हैं और एक बार फ्लास करके कंफर्म देख लेते हैं। यहाँ पे जो दोस्तों पानी जो है बिल्कुल भी आना यहाँ पे रुक गया है, मतलब लीकेज तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। पहले बहुत ही ज़्यादा पानी वेस्टेज हो रहा था क्योंकि पानी ओवरफ्लो हो रहा था। अब जो है अभी मैं और भी एक बार यहाँ पे फ्लास करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख लीजिए पानी बिल्कुल भी लीकेज नहीं हो रहा है, यानी पानी आना रुक गया है बिल्कुल भी। अब मैं फ्लास कर देता हूँ यहाँ पे और परफेक्टली ये काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है होगा। अब दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपके वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं ऐसे किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, बाय बाय।